कि सबसे बड़ी खिदमत ये होती है कि किसी को अपनी छत दे दें, ये मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी, बिल्कुल। जिस पर मरियम नवाज साहबा अमल दरामद कर रही हैं और ये कह रही हैं कि जी घर बनाएंगे और छतें देंगे। सियासी बयान है, सियासत करने के लिए तो बयान देने पड़ते हैं ना, अभी बयान देते हैं जाके फिर भूल जाते हैं मैंने कोई बयान दिया हुआ था। ओए भाई राशन का रमजान का महीने का सौदा नहीं मिला, आप मकान की बात कर रहे हो जी? बिल्कुल नहीं, इन्होंने तो 300 यूनिट भी फ्री कहा था, उन्होंने अभी तक वो नहीं दिया सर। छतें वो किराए पे देने लगे हैं जैसे पहले बसंतों पे देते थे। ये लीडरशिप नहीं है कि आप जो है वो टीवी पे आके कोई भी बयान दे दें और उस बयान के बाद जो है वो ना आपका पता हो ना आपके बयान का पता हो। ये मकान अगर हमें गरीब आदमी कुछ देते ना तो सारी जिंदगी के वोट पहले भी इनके थे, अब भी उनके होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना सरफराज विक्की अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन मरियम नवाज साहिबा का कुछ कहना यूँ है, कहती हैं कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि अपनी छत किसी को देना ये सबसे बड़ी खिदमत होती है, यानी गरीब आवाम को अपनी छत दे दें तो ये सबसे बड़ी खिदमत होती है, ये कह रही हैं मरियम नवाज साहिबा, जिस पे उन्होंने मॉडल कॉलोनी का भी और कुछ कर्जे देने का भी ऐलान किया और ये समथिंग ये कह रहे हैं कि हम घर देंगे। अब ये देंगे या नहीं देंगे, पीछे भी बहुत सारे वादे किए हैं वो भी पूरे हुए या नहीं हुए वो भी आवाम ने आपको बताया ही था, तो अब ये जो कह रहे हैं छत देंगे या नहीं देंगे ये मुझे आवाम बताएगी। मेरे साथ रहिए, आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी इंट्रो आपने सुनी है जी, बिल्कुल। कि सबसे बड़ी खिदमत ये होती है कि किसी को अपनी छत दे दें, ये मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी, बिल्कुल। जिस पर मरियम नवाज साहिबा अमल दरामद कर रही हैं जी, और ये कह रही हैं कि जी घर बनाएंगे और छतें देंगे जी, बिल्कुल। लगता है आपको दे देंगे? सर बेसिकली वो अपने प्रोजेक्ट को चलाने के लिए कामयाब करने के लिए ये प्रोजेक्ट अनाउंस कर तो देती है, मगर ये माफिया है ना, ये माफिया ये उसको आगे नहीं आने देता। ये माफिया अपने लोगों को देते हैं, अपने लोगों को नवाजते हैं। आज भी एक दो बंदे हैं माड़े गरीब लोग हैं, उन्होंने पूछा कि ये यार ये जो प्रोजेक्ट है किस तरह मिलना है, ये किस तरह आना है। ये जो गरीब जिनके लिए वो अनाउंस करते हैं उनको तो पता नहीं होता, ये ऊपर वाला जो तबका होता है ना वो अपने अकाउंट चार चार पाँच पाँच बनवा के पैसा ले लेते हैं और वो अपनी छत बनाई जाते हैं। गरीब हो गए फिर वो, आप ही गरीब हो, बहुत गरीब हो जाते हैं। कमीज ला के काटन का सूट पा रहे हो, कॉटन भी नहीं, कॉटन वाशिंग में पा के चलाना शुरू हो जाते हैं कि जी असी साडे पर तो साडे तो बड़ा कोई गरीब है ही नहीं, गरीब है ही नहीं, असल च इन्हां दे अपने बंदे ही आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये आपको नहीं, ये अच्छी बात है, होना चाहिए, हुकूमत ये पॉलिसी निकालती है, मगर ये गरीब आवाम तक पहुंचनी चाहिए ना। बीजेपी तो उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे जैसे कि बिजली बड़ी मुफ्त दे देंगे, फ्लैट मिलेंगे और ये होगा वो, तो आपको पता है सियासी बयान है, सियासत करने के लिए तो बयान देने पड़ते हैं ना, अभी बयान देते हैं जाके फिर भूल जाते हैं मैंने कोई बयान दिया हुआ था। ये सियासी बयान है सिर्फ और सिर्फ, इसका कोई सर जो है ना पाँव मुँह नहीं होता, बस एक सियासी बयान है जो अपनी एक पॉपुलरिटी के लिए जो सियासी बयान दे देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, दरामद नहीं होता बिल्कुल। अब ये कह रही है जी नवाज शरीफ साहब कहते हैं सबसे बड़ी खिदमत ये होती है कि किसी को अपनी छत दे दें। अच्छा, लगता है आपको ये छत दे देंगे? और ये ऐलान भी किया है इन्होंने कि मॉडल कॉलोनी बनाने का, और ये वो कह रहे हैं कि देंगे बगैर सूद के, कर्जे भी देंगे, फलां भी होगा, ऐसा लगता है कोई उम्मीद है यार? अगर ऐसा लगता है तो नहीं मुझे नजर आ रहा, लगता तो नजर नहीं है, लगता कुछ छोड़ो होता है, करना कुछ छोड़ो होता है, कहना कुछ छोड़ो होता है और बात करना कुछ छोड़ो होता है। बंदा तो तब बैठक करके दिखाए, करके दिखाए, अब आपको भी नजर आए, मकान वाला खा भी दिखा रहे हैं, मिलना नहीं है, मिलना नहीं, मिले तब ना। मैं तो इनको वोट डाले हैं, मैंने इनको वोट डाले हैं, मैंने उठा बड़ा वोट डाला, मैंने इमरान शरीफ साहब को, मरियम को डाला, क्या मिला? ओए भाई राशन का रमजान का महीने का सौदा नहीं मिला, आप मकान की बात कर रहे हो, कैसी बात तो कर रहे हो, दूर की बात है, वो राशन नहीं, हाँ जी, तो मतलब तब था ना क्या, मुझे ये दिल अफसोस है, इनको वोट नहीं डालूंगा, नफरत सी हो गई अंदर, क्यों, क्या वादा किया, कहाँ पूरा किया, क्यों, कहाँ हुआ, नहीं बहुत सारे वादे, मुझे तो वादे किए भाई, ये गरीब आदमी मर रहा है, वो गरीब आदमी मर रहा है, मैं भी गरीब हूँ, मैं कौन सा लैंड लैंड हूँ, 800,000 रुपये का दिहाड़ी का मजदूर हूँ, मजदूर बंदा हूँ, ठीक है। लोगों ने तो यार पिछले साल बिल कर यकीन करो, बच्चे की वालियाँ दिखकर भेज दी, अपने कांटे दिखकर भेज दिए, सारा कुछ बिक रहा है, बिक गया हर रोज। के लिए इनको ये बताएं कि टैक्स ना डालें बिलों पर, गरीब आदमी मर रहा है, वो रोटी से मुश्किल हो गया, वह चूल्हे बुझ गए हुए हैं, चूल्हे बुझ गए हुए हैं लोगों के। अगर तुम वोटों को, लोगों को वोट डाला, इसका मकसद ये नहीं है कि कुर्सी पर ले आए हैं तो गरीब आदमी को मार रहे हैं, और यार वही तो तुझे वोट डाल के यहाँ पे आगे लेके आए हैं। ये छत मिलेगी या नहीं मिलेगी? शाहद शरीफ साहब तो कह रहे हैं, चलो ठीक है, मरियम नवाज साहबा ने उनके बयान को ये सोचा
और मॉडल कॉलोनी का भी ऐलान कर दिया, लगता है आपको मिल जाएंगे? सरकार मुझे तो नजर नहीं आ रहा, जब मिलेगी तब की बात है ना, जब मिलेगी तब तब की बात है, अभी तो हमको सलूट भी करेंगे, आपने छत दी है, थैंक यू। छत सबसे बड़ी देने वाला तो अल्लाह की जात है, बंदे को छत देती है, इज्जत रखती है, हर चीज देती है, खाना वो भूखा नहीं, इंसान को पत्थर के नीचे कीड़ा उसको भी रिज़क वो पहुंचाता है, बंदे ने क्या बचाना है, बंदा तो एक दूसरे को मारने टूट रहा, खून सफेद हो गए हुए भाइयों के, भाई ओए ओए ओए, हर चीज मार तोल कटल मटल एटी मेटी, नौकरियाँ नहीं मिल रही, जॉब पर नहीं मिल रही, मेरे यहाँ इनको ये पैगाम है मरियम साहबा को कि प्लीज़ खुदा के लिए अगर ये जो काम कर रही जबान कर रही ना, इस जबान पे आप पूरा उतरे तो मतलब तब है तो आवाम को पता चले कि वाकई, मुझे तो राशन नहीं भेजा, मैं तो सरेआम इनको कह रहा हूँ, कह रहे थे ना फलाना भेजेंगे हर घर 25,000 फलाना, और भाई अगर बयान नहीं आया मुझे, मैं सरेआम बात कर रहा हूँ, मुझे डर के नहीं लगी वोट, मैंने शुरू से ही इनको ही डाले हैं, मरियम को, नवाज शरीफ साहब, मैं इनका फाइन हूँ, लेकिन मैं देखूँगा, लेकिन अब ये देखना है कि यहाँ पे ये मकान अगर हमें गरीब आदमी कुछ देते ना तो सारी जिंदगी के वोट पहले भी इनके थे अब भी उनके होंगे, अगर दे देते तो क्या कहते हैं जी। मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि सबसे बड़ा काम जो होता है ना, खिदमत जो होती है, वो किसी गरीब आदमी को छत दे दें तो वो सबसे बड़ी, किसी को अपनी छत दे दें तो वो सबसे बड़ी खिदमत होती है जी, बिल्कुल। जिस पे मरियम नवाज साहबा मॉडल कॉलोनी का भी कोई ऐलान कर रही हैं, कोई कर्जे भी दे रही हैं, ऐसा भी हो रही है, लगता है आपको कि जो वादे पहले इन्होंने किए थे वो पूरे हुए भी नहीं हैं, और ये जो वादे कर रहे हैं छतें देने का, मिल जाएंगी छतें? जी बिल्कुल नहीं, इन्होंने तो 300 यूनिट भी फ्री कहा था, उन्होंने अभी तक वो नहीं दिया सर, ठीक है, ये छतें कहाँ से देंगे, ये तो बिल्कुल मुनासिब है, बत्ती के बिल है जो कितने ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, तो ये इंसान 10-12,000 रुपये वो नहीं दे सकते, वो लाखों की जायदाद कैसे दे सकते हैं, ठीक है। क्या बात है, क्या खूबसूरत बात इन्होंने की कि जो हजारों के बिल नहीं दे सकते वो लाखों की जायदाद कैसे देखें, बिल्कुल क्या बात है, लाखों की जायदाद कैसे मिलेगी, कहना सौखा है काम करना बहुत औखा है, बहुत औखा है, लान जिन्हें मर्जी कर, बिल्कुल जाहिर बात है, क्यों नहीं, लोग मैं कह रहे हैं इजी हो जाए प्लाजा दे रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, नई खबर है, अब आप छतें मिलेंगी, अब आपको फ्री सिर्फ छतें मिलनी है, पिलर किने देने ने अपने मोटे ते पाने ना, सु हां यार गल करो, कहते हैं कि पिलर किसने देने छत होगी, कहते हैं कि जी मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि जी मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि किसी को अपनी छत दे देना सबसे बड़ी खिदमत है, और ये कुछ ऐलान भी किया इन्होंने मॉडल कॉलोनी का, लगता है आपको जैसे पिछले भी वादे इन्होंने बेपना किए थे और अब ये छतें दे देंगे गरीब लोगों को, छतें वो किराए पे देने लगे हैं जैसे पहले बसंतों पे देते थे, बसंतें वापस खुल गई हैं, गुड्डी उड़ान ली, गुड्डी उड़ाना से लगता है मिलेंगे यार, वो वक्त बल्कि अच्छे सी, वो वक्त बहुत अच्छे थे, वो खुदा की कसम जब छतों पे छतों पे जांबे जांबे बना के पतंगे लूटते होते थे नहीं लगता है आपको दे देंगे ये? उम्मीद तो नहीं है वैसे, शायद अल्लाह ने दे दियो, नहीं अगर मिल जाए तो फिर तो कमाल ही हो जाए, मिल जाए तो अच्छी बात है, ऐलान तो बड़ा अच्छा है इनका, और देना भी चाहिए यार, क्योंकि पाकिस्तान में समझ लो 70% आवाम गरीब है, किराओं पे रह रही है, हाँ जी किराए पे रह रही है, ऐसा ही है, ठीक है, जो बेचारे अपने घर नहीं है जिनके, उनको उनको सहूलत हो जाएगी, आपके सामने एक बंदा खड़ा हुआ है आपसे बात कर रहा है, किराए पे रह रहा हूँ मैं भी, मैं भी किराए पे, पकड़ो उनसे भी पूछ लो, मैं भी किराए पे हूँ, मैं भी किराए पे हूँ, ऐसी बात नहीं है, छतें मिलेंगी अल्लाह का इंशाल्लाह, भी मिलेगी इंशाल्लाह, अप्लाई करेंगे, पता नहीं देखें मिलती है नहीं मिलती है, बाकी किस्मत की बात है, और शायद पुराने खाते वाला काम ना हो जाएगा। वसीम खान साहब क्या कहते हैं कि मरियम नवाज साहबा का एक बयान है, मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि सबसे बड़ी खिदमत ये है कि किसी को अपनी छत दे दो, यानी घर बनाकर दे दो, ये सबसे बड़ी खिदमत है, और उन्होंने कोई मॉडल कॉलोनी का ऐलान भी किया है, कुछ कर्जे भी देना चाह रही हैं उस पर अमल, ये वो क्या लगता है, जो पहले वादे इन्होंने किए वो तो पूरे हुए या नहीं हुए, वो तो आवाम के सामने हैं, तो ये वादा पूरा हो जाएगा क्या, छत मिल जाएगी लगता है आपको? अप्रिशिएटेड जी, लेकिन मैंने इस पर जो मेरी जो रिसर्च है उसके मुताबिक मैंने जो इस पर इंटरनेट पर कुछ चंद एक बैंक विज़िट किए हैं, मैंने भी ये खबर सुनी थी लेकिन उसके अकॉर्डिंगली अभी तक उधर कोई प्रैक्टिकली या फिज़िकली कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो द थिंग इज़ कि अगर प्रैक्टिकली या फिज़िकली जो है वो चीज़ों को करें तो मेरा ख्याल है वो इन वादों से या ऐलानात से वो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा अच्छा है, लीडर वो होता है कि जो करके दिखाता है, ठीक है, तो ये लीडरशिप नहीं है कि आप जो है वो टी वी पर आके कोई भी बयान दे दें और उस बयान के बाद जो है वो ना आपका पता हो ना आपके बयान का पता हो,
तो चीज़ ये है कि जी क्योंकि मेरी काफ़ी नज़र होती है सियासी एक्टिविटीज़ पे, वैसे तो हम कारोबारी लोग हैं, लेकिन ये है कि हमें कोई सिखा गया है कि सियासत पे नज़र कैसे रखनी है, अपने लीडर्स पे नज़र कैसे रखनी है, आया कि वो कुछ कर रहे हैं आपके लिए या कुछ नहीं कर रहे। तो देखें जी, ये अभी तक तो सिर्फ वादे और ये वही सारा कुछ रवायती हो रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकली अभी तक हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा और कोई मेरे नहीं ख्याल के कोई इतना। अब पीछे भी वादे किए थे उन्होंने, पीछे मुझे एक बंदे ने कहा 300 यूनिट तो पहले हमारा दे दें। देखें जी, इलेक्शन से पहले सबसे पहले जो नारा लगाया गया था वो ये था कि जी हम 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। अब रिसेंटली ये वादा किया गया कि जी अगले 2 महीने के लिए हम रिलीफ दे रहे हैं। मैं जी किसी की बात नहीं करता, मैं अपनी ज़ात की बात करता हूँ। मेरे घर में 3 से 4 AC चलते हैं, मैं एक कारोबारी आदमी हूँ और मेरा बिजली का बिल जो ज़्यादा से ज़्यादा आता था अभी तक पिछले कई सालों से, वो बहुत ज़्यादा पीक के महीनों में, मतलब बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है उसमें 2500-2400 यूनिट सर्व होता है। ठीक है, इस महीने मुझे जो जुलाई का पिछले महीने बिल मौसूल हुआ, तो क्योंकि बिलों की टेंशन डेफिनेटली हर किसी को है, तो मैंने उसको ना थोड़ा सा प्री चेक कर लिया अपनी जो जिस एप्लीकेशन से या जहाँ से मैं बिल जमा कराता हूँ, तो उस पर ना वो 2 लाख समथिंग शो हो रहा था, तो 2,92,000 के करीब, मतलब 3 लाख। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार हो सकता है कि मैंने पिछला बिल तो टाइम पे ही करवाया था, तो ये हो सकता है कि पिछला लग के आ गया हो। वो जब बिल सामने आया तो वो उन्होंने कहा जी ये तो 1 महीने का ही, तो मतलब ये है कि ये अब अगले 4 महीने भी किसी को फ्री दे देना तो फिर भी ये ऐसा कुछ नहीं, पता नहीं ये क्या करते हैं क्या नहीं करते भला। तो मतलब इतना कि इन्होंने निकाल लिया लोगों में से कि ये अगले 3 महीने किसी को बिल्कुल मुफ्त भी दे देंगे ना, इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब जो है वो झूठे पलंदे हैं और झूठी सियासत है, कोई काम की चीज़ या कोई प्रैक्टिकली चीज़ें कुछ करने के लायक हैं ही नहीं ये लोग। कोई पैगाम मरियम नवाज को? कोई पैगाम नहीं है जी, अल्लाह उनका भला करे, और अल्लाह उनका भला करे, कोई भला करे, हम तो कुछ नहीं करते, वालों का भी भला करे। आवाम की आवाज़ आपने सुन ली है, मरियम नवाज साहबा, छतें अब मिलती हैं या नहीं मिलती हैं? बात तो ये है कि छत तो जो पुरानी है वो भी छिन जाने का डर है। ओह माय गॉड, समझ रहे हैं? तो अगली मिलना तो जो पुरानी है वो भी छिन जाने का डर है आवाम को, ये देख ले अब आप। बात खुशी इस चीज की होगी जब कोई प्रैक्टिकली करके दिखाएं तो हमें भी नज़र आए कि हाँ जी कुछ किया, तो हम अप्रिशिएट करेंगे। मज़ा तब है, बात इनकी बहुत खूबसूरत है, और मैं भी यही बात कह रहा हूँ कि आप एक चीज़ बनाएं और ये चाबी हाथ में पकड़ाएं और उसके बाद कहें कि ये हमने किया है, उसके बाद मामला है, प्रैक्टिकली मामला हो जाए। अवाम की आवाज़ हमने अब तक पहुंचानी थी, अवाम की आवाज़ ही पहुंचाना हमारा काम होता है। अवाम की आवाज़ आपने सुन ली है, हमारा काम होता है आपके चेहरे के आंसू चुराना, आपके चेहरे पे हंसी देना, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिलाज़ारी मत कीजिएगा, इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक 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 वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया, उसका लिंक नीचे दे दिया, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के जानों को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि ससुरा आपके साथ है, क्योंकि ससुरा आपके साथ है, साथ साथ है।